सिविक और ग्रैंडी की होगी अब छुट्टी, क्योंकि पाकिस्तान में आ गई है होंडाई एलांट्रा 7th जनरेशन विद हाइब्रिड इंजन। होंडाई एलांट्रा 7th जनरेशन ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च कर दी गई है और ये सी सेगमेंट की पहली हाइब्रिड कार है पाकिस्तान के अंदर। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। तो एलांट्रा हैज अ स्मार्ट स्ट्रीम 1.6 लीटर जीडीआई एटकिंसन साइकिल फोर सिलेंडर इंजन विच प्रोड्यूसेस कंबाइंड टॉर्क ऑफ 264 Nm एंड 139 hp। इसकी लिथियम पॉलीमर बैटरी गिव्स पावर आउटपुट ऑफ 1.32 kWh एंड 42 kW रिस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं इसकी लुक्स की। तो लुक देखने के बाद सबसे पहला वर्ड जो निकलता है वो है वाओ, क्योंकि इसकी जो कंपटीटर्स हैं वो इसकी लुक के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती। बात हो रही है सिविक और ग्रैंडी की। अब आप इसकी ग्रिल देखें, कितनी खूबसूरत इसकी ग्रिल बनी हुई है और सेंटर में आप बड़ी सी होंडाई की बैजिंग आपको मिल जाएगी। पार्किंग सेंसर्स आपको इस ग्रिल के अंदर दिए हुए हैं जो कि, और साथ ही ये बम्पर के अंदर दिए हुए हैं। इसकी हेडलाइट की बात करें, बड़ा ही स्लीक और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और इसके ऊपर ये एक स्ट्रिप DRL की जा रही है और काफ़ी बड़ी सी स्ट्रिप है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और नीचे आपको यहाँ पे इसके फोग लैंप्स मिल जाएंगे, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। इस नीचे भी ब्लैक कलर की आपको ग्रिल मिल जाएगी। अब इसकी साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल पे आपको ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के आपको ये साइड मिरर्स मिल जाएंगे, पावर हीटेड साइड मिरर्स। व्हील की बात करें तो 16 इंच अलॉय व्हील आपको मिल जाएगा और ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, ब्लैक और ग्रे के अंदर बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। बाकी ये जैसे आपको ये लाइन जाती नज़र आ रही है, बहुत ज़बरदस्त इसका जो स्पोर्टी लुक है वो बनाई हुई है। बैक प्रोफाइल पे आ जाएं तो बैक प्रोफाइल पे भी आपको ये इसके बैक लैंप्स जो हैं वो बहुत प्यारे मिलेंगे, स्लीक्स, बहुत ही बड़े भी हैं, खूबसूरत भी हैं और स्लिम भी हैं काफ़ी। नीचे आपको इसके बम्पर में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बैक पार्किंग सेंसर और पीछे इसके ट्रंक के ऊपर ये बड़ा सा एलांट्रा हाइब्रिड की बैजिंग और यहाँ पे स्मार्ट ट्रंक का जो बटन है आपको मिल जाएगा। और इसकी बूट स्पेस की बात करें, क्योंकि ये गाड़ी जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ हैं उनसे साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है तो इसकी बूट स्पेस भी आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिल जाती है। एक्सटीरियर के बाद इंटीरियर पे जाते हुए पहले तो आपको ये कीलेस एंट्री मिल जाएगी यहाँ पर। और अंदर आप जाएँ तो भाई सच कहते हैं लोग, एक कॉकपिट वाली आपको वाकई फ़ील आती है और बहुत ही लग्जरी फील है इसके अंदर। गाड़ी क्योंकि साइज़ में मैंने आपको बताया बड़ी है ये, और इसकी हेड स्पेस लेग स्पेस काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी खुली गाड़ी है ये। और केबिन की जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त आपको मिलती है। स्टार्ट करते हैं पहले इसके स्टेयरिंग से। बहुत ही प्यारा इसका स्टेयरिंग बना हुआ है ब्लैक और सिल्वर टोन के अंदर। इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल, मल्टीमीडिया कंट्रोल के बटन्स जो हैं वो स्टेयरिंग में मिल जाएंगे। इसमें आपको 10.25 इंचेस TFT LCD दी गई है जिसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इसकी ट्रिप की और स्पीडोमीटर की हवाले से मिल जाएंगी। डैशबोर्ड में आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाएगा विद वायरलेस एंड्रॉयड एंड एप्पल कार प्ले। ऑटो डुअल जोन एयर कंडीशन आपको मिल जाएगा और इसकी आप ग्रिल देखें वो बहुत प्यारी है। 4 आपको स्पीकर इस कार के अंदर मिल जाएंगे। बाकी आपको यहाँ 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे और ये कंसोल जो आपको है बहुत ही प्यारा है। ये साइड में बॉर्डर, यहाँ आपको ग्रिप भी जो पैसेंजर है वो कर सकते हैं। बटन्स सारे दिए हुए हैं AC का कंट्रोल के हवाले से। यहाँ पे USB चार्जर दिया हुआ है, 12 वोल्ट 180 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। इसके अलावा एप्पल चार्जिंग जो कि सी टाइप की होती है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी USB के अलावा। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 लाइट्स मिल जाएंगी रूम के अंदर, केबिन के अंदर, और इसके अलावा आपको पीछे के लिए भी एक लाइट दी जाएगी ताकि सफिशेंट आपको रात के टाइम अंदर लाइट मिल सके। बाकी यहीं पे आपको बटन मिल जाएगा इसके सनरूफ के हवाले से, जो इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बैक साइड पर जो है वो 2 AC वेंट्स दिए हुए हैं, साथ ही चार्जिंग पोर्ट्स हैं। सीट्स की बात करें तो सीट्स इसमें जो है वो लेदर सीट्स दी गई हैं और ब्लैक कलर की सीट्स हैं। इसके अलावा जो ड्राइविंग सीट है ये 8-way एडजस्टेबल है और टोटली इलेक्ट्रॉनिक है, जबकि सिविक की बात करें जो इसकी कंपटीटर है उसमें मैनुअली सीट एडजस्ट होती है। गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं जो कि मुझे लगता है कि कम है, कम से कम इसमें
6 एयरबैग्स होने चाहिए थे जितनी इसकी प्राइस है। और पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हिल असिस्ट कंट्रोल मिल जाता है, एबीएस ब्रेक सिस्टम मिल जाता है, एमरजेंसी ऑटो होल्ड ब्रेक सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको इसमें दिए गए हैं। इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी है 96,99,999 जो कि अभी लॉन्चिंग के टाइम है, और इसकी बुकिंग भी ओपन है, आप इसको बुक करवा सकते हैं, जो कि पार्शियल पेमेंट 20 लाख से ये गाड़ी बुक हो जाएगी। और अभी डीलरशिप पे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि अगर आप अभी इसको बुक कराते हैं तो ये एंड ऑफ दिसंबर या फिर स्टार्ट ऑफ जनवरी में आपको डिलीवर कर दी जाएगी। प्राइस इसकी देखी जाए तो सिविक के जो कंपैरिजन है उसके मुताबिक ये सिविक से सस्ती है। सिविक 1 करोड़ क्रॉस की हुई है, जबकि ये हाइब्रिड होने के बाद भी 96 लाख या 97 लाख राउंड फिगर आप कर लें तो 97 लाख पे है। और पाकिस्तान में ये होता है कि जब लॉन्च होती है तो उस टाइम जो प्राइस है वो कुछ होती है, और लॉन्च के 2-3 महीने के बाद प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो अभी जो बुक कराएगा वो फ़ायदे में ही डेफिनेटली जाएगा। तो आपको ये कार कैसी लगी, प्राइस के हवाले से, इसके फीचर्स के हवाले से आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।